أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سجد راشد صاحب उनके हुजूर उनकी नौजवान टीम उनके दोस्त रजीब साहब आज हम फयाज साहब के पास होकर आए हैं अब्बास साहब के पास जाएंगे बयासर के पास जाएंगे मैं जवेद सऊद साहब के पास भी होकर आया हूँ ये जो राशिद भाई ने बातें की हैं ना ये बातें सब अपनी जगह है उसकी गर्दन में बहुत सरिया है और 17 जुलाई को और सरिया आ गया है और उससे ज़्यादा बड़ा सरिया इमरान खान की गर्दन में है और 17 जुलाई में और आ गया है और झूठ जो है ना उसके अंदर बहुत कशिश होती है हम कहते थे बुराई में बड़ी कशिश होती है नमाज पढ़ने जाए और कहते अच्छा नशे में रहने जाते बातें करें नमाज पढ़ने लगे ना अच्छा वुज़ू करें उठें नमाज पढ़े मुश्किल काम लगता है लगते 2 मिनट में घड़ी 2 मिनट अगर फिल्म देखते हुए तो 4 घंटे पहले जाना कोई सर्कस पे जाना तो फौरन गाड़ियाँ खींचने की चली गई कशिश है ना झूठ पे बुराई में कशिश है वो अपना झूठ फॉरेन फंडिंग से बेची जा रहा है पैसा लगता है ना करोड़ों डॉलर लगते हैं अमेरिका में बैठ के कंपनी है जो ये सिस्टम बना रही है उनको पैसा जा रहा है इंडिया से इजराइल से अमेरिका से जो इमरान खान कहता था कि मैं शौकत खान के नाम पर पैसा लेता है अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करता है हमसे उसका फाश नहीं हुआ जा रहा हम दर दर पर फिर रहे हैं गले फाड़ रहे हैं अपने सच बता रहे हैं आज हम इकट्ठे हो गए हैं हो रही है तमाम मैं क्यों इस तस्वीर में ये तमाम लोग इकट्ठे हैं तो क्यों है क्योंकि जो बच्चे हैं ना हमारे इनको हम ऐसा पाकिस्तान दे के जाना चाह रहे हैं जिसमें बर्दाश्त हो आज तो नफरत इतनी ज़्यादा है बद अखलाकी बद लिहाजी बदतमीजी कि हम सियासत के नाम पर एक दूसरे को मारने पर उतर आया है गालम गलोच पर उतर आया है कोई हद होती है हमने हद खींचनी है 11 तारीख को 11 तारीख को 4 MR हद खींचे इंशाल्लाह 4 MR हद खींचे 5 MR हाथ खींचेगा 6 टरपाई हाथ खींचेगा 1 MR हाथ खींचेगा 5 टरपाई हाथ खींचेगी 4 टरपाई हाथ खींचेगा पूरा एमए 157 हाथ खींचेगा और इमरान खान को मुंह की खाएगा वो और उसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता मुझे तो आपका साथ चाहिए आपकी दुआएं भी चाहिए आपकी इमदाद चाहिए खाली वोट नहीं चाहिए क्योंकि वोट तो दे ही देंगे मैंने गफार ने कह दिया वोट दे दिया राय वाहिद ने कह दिया वोट दे दिया तमीम संगड़े ने कह दिया वोट दे दिया राशिद ने कह दिया वोट दे दिया सिर्फ वोट नहीं चाहिए इमदाद चाहिए इमदाद करोगे तो हम इनको हराएंगे एक वोट से नहीं हारे जाएंगे इमदाद से हराएंगे हम इनको 157 में इमदाद चाहिए आपकी वो लेने के लिए आया हूँ क्योंकि इस तरह नहीं होगा हमें इकट्ठा मैं यहां से चला जाऊंगा ये इलेक्शन आपका बन जाएगा हार जीत नहीं है दूसरे में एक इलेक्शन की हार जीत नहीं है भाई साल बाद तो अगला इलेक्शन आ जाएगा 11 सितंबर को इलेक्शन लड़ूंगा कैंपेन ही कर रहा हूँ जो लोग 5-5 साल के लिए बन रहे हैं वो 3 साल पूछते रहे आखिरी 2 साल बनाने के लिए आ जाते हैं मैं तो 11 को बनूंगा और 12 तारीख से कैंपेन शुरू कर दूंगा अगले इलेक्शन कोई सड़क दूंगा तो सड़क अभी बन ही रही होगी तो इलेक्शन आ रहा होगा तो बिजली दूंगा तो वो मुकम्मल हो रही होगी तो इलेक्शन आ जाएगा लेकिन बात ये नहीं है ये आपकी तरक्याती कामों के लिए तो मैं इलेक्शन लड़ ही रहा हूँ लेकिन मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं सिपाही बना हुआ हूँ उन कुवतों का जिनका खून पसीना है धरती में शामिल है इरानी खानदान है तो अफवाह व इज्जत ने इस खत्ते की शुरुआत किया गुलफकार भुट्टो है तो दस्ता तार पे चढ़ गया उस पर नहीं कहा कि मेरे पेट में बहुत राहत है मैं रात फाश कर दूंगा पूरा कुंभा मरवा दिया
नवाज शरीफ है तो गुल्फ़िकार भुट्टो एटम बम लेकर आया, नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए, फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, और तू हमें इम्पोर्टेंट कहता है जिसके अपने बच्चे बाहर, औलाद बाहर, पैसा बाहर का, और उसका झूठ बिक रहा है और हम अपना सच नहीं बता सक रहे हम लोगों को, तो दरवाजे दरवाजे तक जाओ, कुंडा खड़काओ। ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन इसका नहीं है, ना मूसा गिलानी का है, ना किसी चेयरमैन का है जो डेरे पे बैठा हुआ है और कह रहा है बाहर चक के बाहर बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं चार मारदा मकदूम साहब फिक्र ना कर सकता है, मैं तुम दे आगा राज, ये आपका है अपना इलेक्शन, इलेक्शन है ये तो। फिर कहानी जो है ना, फिर ये खाता भी मत गिनना कि नहीं जी ऐ फलाना वोट नूर हुसैन के खाते पै जाएगा, तो फलाना वोट राशि के खाते पै जाएगा, या मनीषे के खाते पै जाएगा, या राय के खाते पै जाएगा, या सगड़े के खाते पै जाएगा, नहीं ये खाते सारे एक हो गए ने, जे खुदा ना खास्ता गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जो थोड़ा जहा भी गलती हो गई तो फिर खाते सारे दे बंद हो जाएंगे, फिर कोई खाता नहीं खुला रहेगा। मैं तो दस रहा मेरी इलेक्शन कहते 157 के साड़ी कामयाबी जी ने उसे कामयाबी ने अगले इलेक्शन का राह बनाना है, उसे कामयाबी ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहिए, उस इलेक्शन ने फैसला करना है ये जंग। मैं तो इन्होंने सिपाही हाँ, तुम उन्होंने चावल डाले, मैं उन्होंने सिपाही हाँ जरा बेनजीर के चावल वाला है वो मेरी मदद करे, जरा नवाज शरीफ के चावल वाला है वो मेरी मदद करे, जरा मौलाना फजल रहमान का चावल वाला है वो मेरी मदद करे, क्योंकि असली लोग मुल्क मुहाफिज बने असं अपनी सियासत तो अग ला दी, क्यों इस फितने तू जान छुट गया, इस फितने तू जान छुट गया, अपनी सियासत को छोड़ दिता। अगला इलेक्शन इन्होंने पहला ऑर्डर की किया, बड़े तुमन खान आ रहे थे सानू यह भी नहीं दसा जा रहा, परवेज जुलाई सब तू पहला ऑर्डर की किया पंजाब के, पंजाब की सारिया नौकरियां खत्म, मिस्टर की नौकरी, हस्पताल की नौकरियां, नहरा के बेलदार नौकरियां, स्कूलों के चौकीदार नैब कसर नौकरियां सब खत्म, कोई नौकरी नहीं है। वफाक सारे नौकरियां खोल दीं, जितने मुलाजमीन सन पोस्टल सर्विस एनएचएस सर्विस सारे बाहर कर लगे, असं तो इंज काम करते हैं, इस टाइम जिन्हें भी इदारे भी नौकरियां खुली हो गई वो वफाक दें जारी कर रहे हैं, काम करके आवेंगे ना इलेक्शन लड़ना अगला, असी देने वाले हैं कि तो लेंदे भी ने चंदा भी लेंदे ने, वो ही साढ़े उत्ते इस्तेमाल होने का शौक नहीं। और एक बड़ी गल होर गल भी दस देना चाहता, यह भी नहीं है कि कोई कहता है कि नाली बनावेगा तो वोट देगा, मेरा इस टाइम नाली मांग रहा ना तो वोट नहीं देगा, मैं सलमान नईम के इलेक्शन के सीवरेज लाइन पवाई, गटर लाइन पवाई, मेन कनेक्ट करा दी, वोट नहीं मिले डॉक्टर अस्ते ने पटवा दी परसों, पटवा दी जिमें शबीर ने जाके पाया बार फोन सारे ने बिजली पटवा दी, मैं फोन किया एक्सीडेंट ने कहा जी उन्हें सब धमकी दी कि नक्शा नहीं थी तो तुम कागजी कार्रवाई देर की है, कागजी कार्रवाई नहीं की तुम्हें इंज ही ला दिता है, मैं क्या क्योंकि मैं कहा कि फौरन हो जाए कागजी कार्रवाई बाद हो जाएगी, उन्हें कहा जी थोड़े ही बंदे को ट्रांसफार्मर से तारा रख के जा रहे हैं, कागज पूरे करके नक्शा बना के फिर आके ला रहे हैं, ताकि साढ़े से कोई इन जल हो गए कि बिजली मैं लै रहा सर, बिजली कोई अमीर आदमी लै रहा थी, बिजली तो गरीबों को लग रही थी सारियां, जिन्होंने उन्हें जाके किया शमीर ने सारे कट्ठे हो गए तो उन्हें किया सारे कि असं सारे कट्ठे होकर मूसा गिलानी सपोर्ट करा, एक होर भी बाहर होगा उन्हें बहुत सारियों ने किया, उन्हें हजार हजार वोट लैना है साढ़े बच्चे पैसे कटे 10 रुपये का तेरा वोट किए, तू दस कि वोट दिया कहते इन तब्दील कर देने वोटा की, इमरान सानू टीवी से सुन लो तो वो पारसा बनया हुआ है जिसे घर के चोरियां पकड़िया जा रही हैं, गल करें तो नवियां तो पहले कल गल नहीं करता, इतने वोट की ताकत दर्शन करना पड़ेगा यार।
कि मैं कला नहीं करा रहा, ना मैं कला कर सकता, मेरा तो एक रोल है भाई। तो ये भी ना सोचे कि नून लीग का ग्रुप शामिल हो गया, हमारे अखबार का ग्रुप शामिल हो गया, मूसा गिरानी का ग्रुप शामिल हो गया, साढ़े वोट किसी उन्होंने 400 थे, मूसा 200 था, 650 हो गया, सीधे के नहीं, साढ़ा एक ही वोट है भाई। वोट मंगने शुरू हो गए, मंगने कंपेन करना शुरू हो गए, वो तुम करोगे तो कामयाबी है। डेरिया दे चक्कर दे फैल जाओ, हर बुए तक पहुँच जाओ, जो कोई नहीं भी तालुक करा उन्होंने कहा तो मैं नहीं दे एज वोट करना, मैं एज कंपेन कर रहा, मैं नहीं कंपेन कर रहा कि बड़े बड़े अभी ये भी नहीं कंपेन कर रहा, फिर नहीं गेड़ रहे अभी दिल गेड़ रहे, दिल जो दिल है वो इतने बैठा है, खाली सिर गिना से किसी बाबे की बुजुर्ग की वजह तो आयो तो ना आओ, जो दिल ना लाओ तो फिर दिल ना ग्यारह तीस सौ देने नहीं अंदाजा इतनी कि कहेंगे ये बुरे ने चंगे ने फलाने ने दुकाने ने महंगाई हो रही, भाई जरा कुछ तू कर रहे हैं अपनी कुर्सी हस्ते, वो तुम्हें तो पता है कि साड़ी हुकूमत आई पंजाब दो ढाई महीने दवाई फ्री कर दी, इसमें पता भी नहीं है इन्होंने सिर्फ 20 रुपये ला दी दवाई दे 10 रुपये या 15 रुपये अभी फ्री कर दिता, मतलब मुजदार क्यों वोट पे हो गए, चार साल कार्य करके भी बयानिया नहीं सी, कोई बयानिया नहीं बयानिया रुजगार नहीं होता था, रोटी कपड़ा मकान ताकत असर जश्मा आवाम हके होकर हके हकमियत आवाम की आवाम असर ताकत वहाँ शरीर तब बयानिया सी, तरक्की मोटरवे बनाई धमाके कराए यह चीज़ा सी, इनमें तो कोई बयानिया नहीं, इन्हों का प्रॉपर गंडा है सुधारा प्रॉपर गंडे के बिच बयानिया के बिच फर्क रक्षा करो, कोई ये कहना कि इमरान खान का बयानिया उन्हें बयानिया नहीं उन्हें प्रॉपर गंडा है, जिंदा आएगा बयानिया चोरी कर लेगा उन्होंने सुर्खी पाउडर डाल देगा उनका वक्त लगेगा कि अच्छा है इस्लामी है लोग ने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और इस्लामी गलों के लश पश करके वोट छिक कर देगा, अच्छा इन्हें अमरीका का तालुक वो कहेगा मैं तो अमरीका को जानना मेरी बीबी अमरीका की मेरी जी अमरीका की मैं क्यों वोट इन्हें छिका छिक ला, वो तो एक जिम्मे नहीं होंगे बेरूपी है, वो बेरूपी है तुम तो याद नहीं होगा तुम बच्चे को मैनू भी नहीं याद थी पहले बोल एक ना किस्सा खान लोग आते सर इलाकों के टोलियां बना के तुम्हें कोई याद होगा जिम्मे मेले लगते सर जो आते ना इतने बैरूपी आते सर और कभी कोई बन जाता सी कभी कोई बन जाता सी ये चक्कर के टोलियां आदि सन लोग उस दिन तो आते सन तुम याद होगा जो सुनते हो गए पिंडा के आते सर ए पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान की तारीख के किसी ने किसी ने आवाम में सब तो बड़ा चूना लाया थे इमरान खान का, असी सब उन्हें एक ऐसी फिल्म बना दी है कि एम जो निशानियां से क्यामत दी क्यामत निशानिया जो निशानियां ना अगर इमाम मेहदी आन गए तो कह गए कि लोगों को पता भी नहीं होगा सही नहीं कह रहा है गलत ऐसे दजाल आएगा तो वो दजाल की है तो उन्होंने क्या लगता है कि अभी दजाल ये कख होएगी कोई कख का मतलब है ये मोबाइल ये कख वे वे कान कोई बंद कोई कार्टून कोई जिन नहीं आएगा ये दजाल है ये गलत सुन रहे हैं ये फैल रही है इन्हें चू सतना फैल रहा है असं ये रोक रहे हैं इन्हें भी थोड़ी मदद चाहिए और मैं इन्हें इंसानों का बादशाह का शुक्रिया अदा करा